गुड मॉर्निंग बेटे टू ऑल ऑफ यू। बेटे कल हमने आपको लोकेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी तक हमने आपको करा दिया था बेटे, ठीक है। लास्ट में हमने जाते जाते आपको एक क्वेश्चन कराया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, और मैंने ये भी कहा था कि भाई वो क्वेश्चन आपको, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करके मुझे सेंड करना है बेटे। तो सेंड किया, दो बच्चों ने सेंड किया, ठीक है। एक का नाम है पलक और दूसरा का नाम है यशिका। तो इन दो बच्चों ने सेंड किया, बाकी किसी ने सेंड नहीं किया। इसका मतलब कोई घर पे कुछ नहीं कर रहा है बच्चे। ये काफी खराब एटीट्यूड आपका है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप 11th और 12th क्लास में आप पहुंच चुके हो। आप 11th में पहुंच चुके हो, अगले साल आप 12th में जाओगे, मोस्ट सीनियर क्लास आप बन जाओगे स्कूल में। तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। आपको जो भी काम मिलता है प्लीज आप उसे करें समय पर, और समय पर चेक कराएं। बताओ 27 स्टूडेंट है हमारे पास फिलहाल, और केवल दो बच्चों ने वो क्वेश्चन सेंड किया, दैट इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। तो आप ऐसा ना करें प्लीज, रेगुलर स्टडी करें, जो आपको होमवर्क मिलता है उसे समय पर करें, टाइम पर करें, ठीक है। तो कल बेटे हमने मिसिंग फ्रेक्वेंसी तक आपको करा दिया था। आज देखिए हमारे पास क्या है, आज हमारे पास मिसिंग फ्रेक्वेंसी का ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मिसिंग फ्रेक्वेंसी का। तो कहा हुआ है कि इन इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 115.86, यानी क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन गिवन है 115.86, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हमें मिसिंग फ्रेक्वेंसी निकालनी हो या मिसिंग वेरिएबल हमें निकालना पड़ जाए, तो मीन तो आपको डेफिनेटली देंगे ही देंगे बेटे। तो मीन आपको दे दी 115.86। अब मैं टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, और हमें यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू निकालनी है। देखिए मिसिंग वैल्यू हमें निकालने बेटे, डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन है, यानी कि एक्स सीरीज आपको गिवन है एक, और एक आपको एक्स सीरीज गिवन है। देख लीजिए एक्स सीरीज एंड एक्स सीरीज। तो एक्स सीरीज में गिवन है 110, 110, 112, 113, 117, और इसके बाद डेथ, यानी कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, या ये मिसिंग वैल्यू, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो नहीं कह पाएंगे, कोई फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर आएगी, ये मिसिंग वेरिएबल है, इसे मिसिंग वेरिएबल आप बोल सकते हो। इसके बाद है 125, फिर है 128, और फिर है 130, 130 बताइए। नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी की वन है 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 एंड 2 बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपसे कहा गया है कि भाई मीन आपकी 115.86, 115.86 है, और आपको ये डाटा गिवन है, और इसमें आपको ये एक्स के जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना बेटे। तो इस वैल्यू को कुछ भी आप नाम दे लीजिए, एक्स एम टी वाई, कुछ भी आपको नाम देना है दे लीजिए। मैं फिलहाल इसको नाम दे देता हूँ बेटे, ठीक है, एक्स ही नाम दे देते हैं। चलो एक्स नाम हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है। अच्छा मीन का फॉर्मूला आप देखिए, डिस्क्रीट सीरीज गिवन है बेटे यहाँ पर, ठीक है। तो आप केवल दो ही मेथड यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मेथड आप यूज करोगे, या फिर आप शॉर्टकट मेथड यूज करोगे। स्टेप डेविएशन मेथड जो थर्ड मेथड है वो आप यूज नहीं कर पाओगे, रीजन आपको पता होगा। देखिए डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है, 110 के बाद 112, 112 के बाद 113, तो 117 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप जो थर्ड मेथड होता है द स्टेप डेविएशन मेथड वो यूज नहीं कर सकते। तो या तो डायरेक्ट मेथड पर जाइए, या फिर अपना शॉर्टकट मेथड पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम किस मेथड से किया जाए, ठीक है। तो बेटे बुक में तो वैसे आपको डायरेक्ट मेथड से दे रखा है, तो हम डायरेक्ट से ही कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटे, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो सिग्मा ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आपको चाहिए। तो पहले मैं एफ का टोटल कर देता हूं, आपके सामने कितना आ रहा है, सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू, देखिए 17 और 25 कितने होते हैं, आप बताइए कितने होते हैं, ठीक है। आई गेस 42 होते हैं, ठीक है। 42
42 और 13 कितने होते हैं, 55, 55 और 15 ठीक है, 70, 70 और 14, 84, 84 एंड 8 बचे ठीक है, 84 एंड 8 कितने हो जाएंगे, 92, 92 और 6, 98 और 2 100, तो टोटल आपका 100 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम fx निकाल देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हम करने जा रहे बचे ठीक है, x का f से मल्टीप्लाई करेंगे और fx यहाँ पर हम निकाल लेंगे सिग्मा ऑफ fx, और इसमें एक वेरिएबल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि x के साथ 14 मल्टीप्लाई है, तो जब x को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आएगा, सिंपल सी बात है बेटे, 14x आएगा, ये अलग से वेरिएबल होगा, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें 14x प्लस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ठीक है, तो बेटे इसके साथ क्योंकि वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो इसे तो हम अलग से दिखाएंगे, बाकी होगा जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। 110 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाला आ जाएगा 2750, 2750 बचे आएगा। 112 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा आएगा 1904, आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो बेटे ठीक है। 113 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 1469 ठीक है, 1469। 117 को अगर मैं बेटे 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 1755, 1755। 14 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14x ही आपके सामने आएगा। 125 को मैं 8 से करूंगा तो 1000 आएगा बेटे ठीक है। 128 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 768, 768। और 130 को मैं 2 से करूंगा तो ये जाएगा 260, 260 ठीक है। तो जब इस 14x को छोड़कर, इसको लीव करके, इसको लेफ्ट करके जब बाकियों का हम टोटल करेंगे बेटे तो ये आ जाएगा 9906, 9906 बेटे आ जाएगा। अच्छा हमारे साथ 14 स्टूडेंट जुड़े हुए बेटे, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल दी थी ठीक है, कि भाई आपको फीस जमा करानी है बेटे 15 जून तक, अगर 15 जून तक फीस जमा नहीं हुई तो जो डिस्काउंट आपको दे रहा है स्कूल 50% वो आपको नहीं मिलेगा बेटे, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कल अनाउंस की थी। आज एक और इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट बेटे, अकाउंट्स वाले सर जो है उनकी फिजिकल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है तो वो 10 दिन तक क्लास आपकी नहीं ले पाएंगे, तो प्रिंसिपल मैम ने बेटे ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी है कि मैं इन 10 दिनों में आपका अकाउंट्स का रिविजन करवाऊँ ठीक है। तो आज से मैं आपकी अकाउंट्स की क्लास लेनी शुरू करूंगा, अकाउंट्स का रिविजन क्लास में लेनी शुरू करूंगा बेटे ठीक है। 10:15 पर आपकी क्लास होती है 10:15 पे, तो 10:15 पर मैं आपकी अकाउंट्स की क्लास लूंगा। फर्स्ट लेसन जो है आपका बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वो हम शुरू करेंगे और उसका मैं आपको बेसिकली रिवीजन करवाऊंगा बेटे ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, रिवीजन की तरह उसे लेंगे। तो आईडी बेटे मैडम ने भेज भी दी है ग्रुप के अंदर, जिन बच्चों ने देखी है, 4-5 बच्चों की रिक्वेस्ट आ भी चुकी है, जिन्होंने अभी तक बेटे रिक्वेस्ट नहीं भेजी है प्लीज ये क्लास लेने के बाद आप रिक्वेस्ट मुझे भेज दीजिएगा, ताकि 10:15 मैं जब क्लास लूँ तो आप लोग यहाँ मुझे मिले बेटे। 14 स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं तो एटलीस्ट 14 स्टूडेंट्स मुझे वहां भी दिखाई दे बेटे ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, वो वाली 30 या 35 मिनट की क्लास लेके आपको मैं फ्री कर दूंगा बेटे ठीक है, लेकिन आपको वो क्लास लेनी है क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने बेटे ऑर्डर दिया है तो हम सबको मानना पड़ेगा, सो यू हैव टू टेक दैट क्लास ठीक है। तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा बेटे जल्दी से ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये हम कर रहे थे fx आपका हो चुका है 9906 अपॉन प्लस 14x ठीक है, ये हमने निकाल दिया बेटे। इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड यानी कि अजूम मीन मेथड से भी कर सकते बेटे, कल आपका होमवर्क था, आज फिर से आपका एक और होमवर्क है कि इस मेथड को आपको अजूम मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड से कंप्लीट करना है और शाम के समय मुझे भेजना है बेटे, और इस बार मैं चाहता हूँ कम से कम 10 बच्चों का तो मेरे पास ठीक है होमवर्क आए बेटे, कल केवल 2 बच्चों का आया, आज कम से कम 10 बच्चों का मैं चाहता हूँ, सो प्लीज ऐसा कीजिए। तो अब देखिए हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ बेटे, सिंपल सी बात है, एक वैल्यू हमें निकालनी है तो मीन आपको गिवन होगी, जो शुरू में मैंने बता दिया था मीन गिवन है 115.86 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स, देखिए सिग्मा ऑफ एफ एक्स दे रखा है 9906 प्लस 14x ठीक है, ये हमने निकाला है बेटे अभी अभी, और सिग्मा ऑफ एफ आपको 100 दिया रखा था, ये देख लीजिए 100 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना चाहूंगा तो इसके अकाउंट में 1 होता है सबको पता है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ठीक है, कर दिया।
115.86 को जब मैं बेटे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, मल्टीप्लाइंग में 100 है, पॉइंट के बाद टू वेरिएबल से बेटे 8 और 6 तो सिंपल सी बात है पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और 9906 को 1 से करूंगा तो ये आ जाएगा 9906/14s, तो जो चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है वो सेम ही रहती है बेटे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो 115.86 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 115.86 आ जाएगा, सिंपल सी बात है पॉइंट हट जाएगा, इज इक्वल टू 9906+14x बेटे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये लार्जर वैल्यू है, यहाँ पर ये स्मॉलर वैल्यू है, तो मैं स्मॉलर वैल्यू को यहाँ भेज रहा हूँ ताकि माइनस का कोई फंडा यहाँ पर ना आए, माइनस की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। तो 115.86 में मैंने माइनस कर दिया 9906, तो बेटे जब 9906 इस साइड आ चुका है तो वहां केवल ये 14x यानी ये वेरिएबल रह गया, ठीक है। एक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है बेटे उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो 115.86 में से 9906 आप माइनस कर सकते हैं, 115.86 में से 9906 का माइनस कर सकते हैं, 6 में से 6 गए बेटे 0 बचता है, 8 में से 0 गई 8 बचेगा, 15 में से 9 गए कितने बचते हैं 6 बचते हैं बेटे, और यहाँ 11 में से 1 वहां चला गया तो यहाँ रह गए 10, 10 में से 9 गए बचेंगे 1, तो 1680 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें से वैल्यू गई 1680 इक्वल टू 14x बेटे, x की वैल्यू चाहिए 14 मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 1680 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 14 की टेबल में देखिए जाता ही नहीं जाता, वैसे तो जाना चाहिए हिसाब से डेफिनेटली, 14 1 14 2 कैरी, हाँ ठीक है, 14 2 n 0, तो x की वैल्यू 120 आ चुकी है मेरे, ठीक है। 1680 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो 120 आ जाएगा हमारे पास, तो जो वेरिएबल था यहाँ x इसकी वैल्यू आई है 120 120 बेटे, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने किस मेथड से किया है, डायरेक्ट मेथड से किया है, आपका होमवर्क है, इसे आप अजूम मीन मेथड से करके दिखाइए, आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराया है बेटे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन की आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एक्स में दे रखा है 110 112 113 117, फिर x था बेटे, x था, ये 120 तो अब निकल कर आया है, x है 125 है 128 130 है, f में 25 17 13 15 14 8 6 and 2, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए ताकि आप बेटे अच्छे से इसे कर सके शाम के समय, ठीक है, शाम के समय देख लीजिए एक बार इसे। उतार लीजिए बेटे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर शाम को आपको इस क्वेश्चन मुझे भेजना है बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं बेटे इसको, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, तो बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन आपके खत्म हो चुके हैं इस लेसन के, और ये लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस अब अरिथमेटिक मीन जो होता है उसकी मेरिट और डीमेरिट आपको बतानी है बेटे, ठीक है। व्हाट इज द मेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड द डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं मेरिट से, यानी कि इसके फायदे से, लाभ क्या क्या बेटे, मेरिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ क्या क्या है। तो फर्स्ट मेरिट है सिंपलिसिटी, तो अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना काफी सिंपल होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, सरलता होती है, इसमें कोई जटिलता कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड यूसेज, तो व्यू पॉइंट हम कैलकुलेशन देखें और यूसेज के हिसाब से उसके प्रयोग के हिसाब से देखें, तो अरिथमेटिक मीन सबसे सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी तो आपको पता ही, एक सेंट्रल वैल्यू होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज की, ठीक है, जिसको जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, तो जो मीन निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, कि ये सभी डाटा की जो एवरेज है मीन है वो ये वैल्यू है, ठीक है, तो सबसे सिंपल बेटे मानी जाती है। सेकंड है सर्टेनिटी, निश्चितता, तो जो भी आपकी आई है उसमें निश्चितता देखने को मिलती है, सर्टेनिटी देखने को मिलती है बेटे। तो अरिथमेटिक मीन इज अ सर्टेन वैल्यू, इट हैज नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू, तो यहाँ कोई एस्टिमेशन या अंदाजा नहीं निकाला जाता, यहाँ सर्टेन वैल्यू निकाली जाती है, सर्टेन वैल्यू कैलकुलेट की
जाती है बेटे, ठीक है, तो यहाँ सर्टेन वैल्यू निकाली जाती है। थर्ड है बेस्ड ऑन ऑल टाइम आइटम्स, तो बेटे मीन में बेसिकली सभी आइटम को जोड़ा जाता है और सभी आइटम को जोड़कर मीन निकाली जाती है। तो अरिथमेटिक इज बेस्ड ऑन द ऑल आइटम इन अ सीरीज, तो सीरीज के अंदर जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटम को कंसीडर किया जाता है और फिर आपकी जो अरिथमेटिक मीन है वो कैलकुलेट की जाती है बेटे, ठीक है। फोर्थ है एलजेब्रिक ट्रीटमेंट, एलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो एलजेब्रिक ट्रीटमेंट किया जाता है बेटे यहाँ मीन का, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स जो होता है वो एलजेब्रिक होती है, तो अरिथमेटिक मीन इज केपेबल फॉर फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर हम फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं बेटे, इक्वेशंस वगैरह बना सकते हैं, जो मैथमेटिक्स होता है एलजेब्रा वो यहाँ काम हो सकता है। तो देयरफॉर इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो बेटे अरिथमेटिक मीन को हम यानी एवरेज को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिफ्थ है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बेटे, तो जो मीन होती है उसमें डेफिनेटली स्थिरता देखने को मिलती है, क्योंकि एक वैल्यू के आने या जाने से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, स्लाइटली सा फ्रैक्शन सा डिफरेंस आता है, यानी कि स्टेबिलिटी स्थिरता देखने को मिलते बेटे। जैसे आपने मान लीजिए मीन निकाली किसी डाटा की और मीन आपकी 70 आ गई, उसमें आप एक आइटम को कम भी कर दोगे तो ज्यादा ज्यादा आपकी कितनी मीन हो जाएगी, 69.8 या के समथिंग हो सकते बेटे, यानी कि किसी एक वैल्यू के कम या ज्यादा होने से ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा बेटे, ठीक है, यानी वहां पर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देखने को मिलेगी। देखिए जिस चीज में वेरिएशन आता है, चेंजमेंट आता है बेटे, वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें चेंजमेंट नहीं आता वो स्टेबल होता है। तो अरिथमेटिक मीन एक स्टेबल एवरेज होती है, एक स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी होती है बेटे, ठीक है। आगे है तो उन्होंने कहा भाई कि अरिथमेटिक मीन इज अ वेरी स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज बिकॉज चेंज इन द सैंपल ऑफ सीरीज हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन द एवरेज, तो ये कह रहे बेटे कि अगर सीरीज में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, एक दो वैल्यू कमी या ज्यादा हो जाए, तो उससे कम से कम इफेक्ट पड़ता है, मिनिमम इफेक्ट पड़ता है। सिक्स्थ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तो अरिथमेटिक मीन के जरिए हम टू स्टैटिस्टिकल सीरीज को इजिली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग स्टेबल एंड सर्टेन अरिथमेटिक मीन कैन बी इजिली यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तो इसे आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। सेवंथ बेटे एक्यूरेसी टेस्ट, एक्यूरेसी एंड सटीकता, कितना सही है वो, कितना एक्यूरेट है बेटे। तो अरिथमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी, तो अरिथमेटिक मीन की बेटे एक्यूरेसी भी चेक की जा सकती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ सीरीज बेटे, ठीक है। तो ये था अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स यानी कि लाभ, लाभ देखिए बेटे सिंपलिसिटी देखने को मिलती है, सर्टेनिटी देखने को मिलती है, सभी आइटम के ऊपर बेटे रिसर्च करके ये मीन निकाला जाता है, इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी आसानी से हो सकता है, स्टेबिलिटी आसानी से हो सकती है बेटे, कंपैरिजन आसानी से हो सकता है, इसकी एक्यूरेसी भी चेक की जा सकती है, एक्यूरेसी भी जज की जा सकती है। तो ये थी इसकी मेरिट। अब आ जाइए डीमेरिट बेटे, डीमेरिट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, डीमेरिट को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहली डीमेरिट आ रही है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बेटे एक्सट्रीम पॉइंट समझते ना क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है, और मैंने इस पर चार पॉइंट बना दिए, तो आप क्या कहोगे बेटे कि कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट आपके हो जाते हैं ये वाले, ये और ये बेटे। तो एक सीरीज में भी एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, जो एक सबसे लोअर होता है और एक सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन देखिए कि इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये कह रहे हैं द मेन डिफेक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन इज दैट, कि सबसे बड़ी जो कमी है अरिथमेटिक मीन के अंदर वो क्या है, दैट इट गेट्स डिस्टॉर्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज, कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना वो इस मीन को डिस्टॉर्ट कर देती है, इसमें झूठापन ला देती है एक तरह से बेटे, ठीक है। Therefore, it is not always accurate. तो इसीलिए ये हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू इसमें बेटे डिस्टॉर्शन ला देती है, ठीक है, बिगाड़ देती है एक तरह से सीरीज को। फॉर एग्जाम्पल देखिए पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ रिच स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि 11th क्लास है, एग्जाम्पल आ रहा है बेटे कि कैसे एक्सट्रीम वैल्यू पूरी सीरीज को डिस्टॉर्ट कर देती है। ये कह रहे हैं भाई कि जो रिच वैल्यू रिच स्टूडेंट है भाई, उनकी तो पॉकेट एक्सपेंस उन्हें मिलता है 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 2000 पर मंथ मिलता है बेटे रिच स्टूडेंट को, ठीक है, व्हाइल फोर अदर फ्रेंड जो है
बाकी जो चार लोग हैं उन्हें पॉकेट एक्सपेंस मिल रहा है बेटे 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए, ये मिल रहा है बेटे। तो एक को तो पूरे 2,000 मिल रहे हैं, बाकी चार को बेचारों को 100, 80, 70 और 50 मिल रहे हैं। अब अगर हम इसकी मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो कितनी आएगी देखना, 2,000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 50 और डिवाइड हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो देखना 70 और 80 होते हैं 150, 150 हो गए 200, 200 100 हो गए 300, यानी ये आ गया 2300। 2300 को बेटे 5 से हम डिवाइड करें तो 460। देखिए ये आई आपकी एवरेज मीन, एवरेज ये आई, यानी कि इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि भाई सब बच्चों को एवरेज 460 रुपए मिलते हैं। अब ऐसा क्यों आया, केवल इस एक्सट्रीम बैलेंस ने, केवल एक बच्चे को 2,000 मिलते हैं, बाकियों को तो बेटे 100 रुपए से भी कम मिल रहे हैं, लेकिन एवरेज आपकी 460 आई है। 460 क्यों आई, इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से। देखिए हाईएस्ट वैल्यू 2,000 है तो इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे। तो इस एक्सट्रीम वैल्यू ने अब क्या किया, उस पूरी पूरी एवरेज को बिगाड़ कर रख दिया। देखिए 460, जबकि 460 आप यहाँ पर देखो किसी को तो 100 से ऊपर ही नहीं मिलते, 400 तो बहुत दूर की बात है बेटे। तो पूरी की पूरी एवरेज, पूरी की पूरी मीन को बर्बाद कर दिया किसने, इस एक्सट्रीम वैल्यू ने। तो इसीलिए ये कह रहे बेटे लिमिटेशन में कि भाई जो एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं ना, वो कई बार पूरी की पूरी सीरीज को डिस्टॉर्ट कर देती है, बिगाड़ कर रख देती है बेटे। तो इसका कंक्लूजन आप सही नहीं निकल कर आएगा, 460 रुपए ठीक है बेटे। तो इसलिए इस एक्सट्रीम वैल्यू ने पूरी सीरीज को डिस्टॉर्ट करके रख दिया, और यही अरिथमेटिक मीन की एक कमी होती है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, वो पूरी सीरीज को बर्बाद कर देती है, पूरी सीरीज को खराब करके रख देती है बेटे, ठीक है। पहली लिमिटेशन। सेकेंड देखिए, मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। देखिए मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन सीरीज एट ऑल। देखिए अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, वो 2000 पॉकेट स्टूडेंट्स वाला बेटे। पॉकेट स्टूडेंट्स कितने थे बेटे, एक के थे 2000, तो 80, 70, 50, एवरेज निकल कर आई 460, जबकि 460 तो उस सीरीज के अंदर कहीं था ही नहीं, कहीं देखने को ही नहीं मिला 460 बेटे। तो यही ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो मीन वैल्यू निकल कर आई है, जो एवरेज निकल कर आई है, वो सीरीज में देखने को ही नहीं मिले, यानी जो कंक्लूजन निकल कर आया वो तो सीरीज में कहीं है ही नहीं बेटे, यानी आपने एक बेसिकली सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करके दे दी बस, लेकिन वो सेंट्रल वैल्यू एक्चुअल सीरीज में तो है ही नहीं। तो ये भी मीन की एक कमी होती है कि जो मीन निकल कर आते हैं जरूरी नहीं है कि वो सीरीज के अंदर देखने को मिले बेटे, ठीक है। सो द मीन वैल्यू मे समटाइम बी दैट वैल्यू विच मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। तो ये कह रहे हैं कि मीन वैल्यू कई बार ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो फिगर में देखने को ही नहीं मिले, उन डाटा में देखने को ही नहीं मिले बेटे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख रखा है कि 2, 3 और 7 का मीन निकाल के देखो आप, 2 प्लस 3 प्लस 7 और डिवाइड कर लो 1, 2, 3 से, तो देखिए 7 और 3 10, 2 12 होते हैं, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, और आप देखिए इस 4 को तो आपको सीरीज में कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं बेटे कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो वैल्यू निकल कर आई है वो सीरीज के अंदर कहीं देखने को ही नहीं मिलती, तो इससे भी फिर कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड बेटे लिमिटेशन की है। थर्ड है लाफेबल कंक्लूजन। लाफेबल यानी कि हंसने लायक, कई बार जो निष्कर्ष निकल कर आता है अरिथमेटिक मीन से वो हंसने लायक होता है। देखिए लाफेबल कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो परिणाम, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हास्यपूर्ण होता है बेटे। हास्यपूर्ण कैसे, देखिए मान लीजिए 11th क्लास के कॉमर्स में मान लो 2 सेक्शन हो गए, ए सेक्शन और बी सेक्शन। अब एक सेक्शन में बच्चे हो गए मान लीजिए 50 और दूसरे सेक्शन में बच्चे हो गए मान लीजिए 51। एवरेज निकाल के देखना कितना आएगा, 50 प्लस 51 डिवाइड बाय 2, 101 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या आएगी बेटे एवरेज 50.5। एवरेज आपकी निकल कर आई है 50.5, यानी कि एवरेज एक क्लास के अंदर 50.5 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट और एक आधा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का भी आधा हो ही नहीं सकता। हाउ कैन अ स्टूडेंट्स बी हाफ, देयर इज नो सर्कमस्टेंस जहां पर हाफ स्टूडेंट आपका हो। तो यहाँ जो अब कंक्लूजन निकल कर आया वो डेफिनेटली लाउडेबल है, लाफेबल है, हंसने लायक है, क्योंकि आधा स्टूडेंट तो होता ही नहीं है, सबको पता बैठे। तो कई बार जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो लाफेबल निकल कर आता है, जिस पर हंसी देखने को मिलती है। तो समटाइम
अरिथमेटिक मीन ऑफर अ लाफेबल कंक्लूजन। तो एग्जाम्पल दे रखा है भाई, इलेवंथ क्लास है और ट्वेल्थ क्लास है, एक में 50 स्टूडेंट है दूसरे में 51 स्टूडेंट है, तो एवरेज स्टूडेंट निकल करेगा 50.5, विच इज इंडीड वेरी फनी, जो कि काफी फनी है, क्योंकि कभी आधा स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए लाफेबल कंक्लूजन निकल कर आप कर रहे, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड डिमेरिट, यानी थर्ड नुकसान था बेटे। फोर्थ है अनसुटेबिलिटी, ये कह रहे हैं अनसुटेबिलिटी होते बेटे, अनुपयुक्त होती है ये सीरीज, ठीक है। जो अरिथमेटिक मीन होते हैं वो अनसुटेबल यानी कि उपयुक्त नहीं होकर अनुपयुक्त होते बेटे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल मेजर इन केस ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट वैल्यू। तो जहां पर परसेंटेज, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनेट अनुपात जहां पर देखने को मिलता है, वहां पर अरिथमेटिक मीन बेटे एक सही टेंडेंसी नहीं होती, सही सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती। तो इसलिए परसेंटेज और प्रपोर्शन में अरिथमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल एट ऑल। फिफ्थ है मिसलीडिंग कंक्लूजन। मिसलीडिंग यानी कि फेक, एक तरह से झूठी जानकारी देना बेटे। तो मिसलीडिंग कंक्लूजन, तो समटाइम जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको मिसलीडिंग कंक्लूजन भी प्रोवाइड कराकर देता है, झूठा कंक्लूजन भी प्रोवाइड कराकर देता है। कैसे, देखिए, इनकम मान लीजिए ए और बी की इस हिसाब से है। ए की थी बेटे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल मान लीजिए लगा रहे हैं हम। फर्स्ट ईयर में थी 1,000, सेकेंड ईयर में थी मान लीजिए 2,000 और थर्ड ईयर में थी मान लीजिए 3,000, ठीक है। तो टोटल इनकम इसकी हो गई 6,000, और इसकी अगर हम एवरेज इनकम देखेंगे बेटे, तो एवरेज इनकम में कैसे निकालूंगा, 6,000/3 यानी कि 2,000, यानी कि एवरेज भी 2,000 इनकम कमा रहे हैं पर मंथ बेटे, ठीक है। देखिए बेटे, तो मैं बता रहा था मिसलीडिंग कंक्लूजन, कई बार जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको फेक कंक्लूजन यानी कि मिसलीडिंग झूठा निष्कर्ष निकाल के देता है। एक ही इनकम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इस तरह से थी, 1,000, 2,000, 3,000, टोटल हुआ 6,000, एवरेज आई 2,000। अब बी की देखिए, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में थी 3,000, सेकेंड ईयर में थी मान लीजिए 2,000 और थर्ड ईयर में घट के रह गई इसकी 1,000, थर्ड ईयर में घट के रह गई 1,000, टोटल हो जाएगा अगेन 6,000, और इसकी भी एवरेज इनकम 2,000 ही आ जाएगी बेटे। तो इस कंक्लूजन के हिसाब से हम कहेंगे कि दोनों एक समान है, दोनों की जो इनकम है वो बेटे एक समान है, लेकिन ये एक मिसलीडिंग कंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि ए ने तो ग्रोथ की है, ए ने लो इनकम से हाई इनकम की तरफ गया है, जबकि बी जो है बेटे वो हाई इनकम से लो इनकम की तरफ गया है। यानी अगर नेक्स्ट ईयर हम देखें तो ए की इनकम लगभग हो जाएगी 4,000 इस हिसाब से, और बी की इनकम हो सकता है बेटे 500 ही रह जाए, 500 ही रह जाए। तो देखिए, लेकिन अरिथमेटिक मीन कह रहा है भाई दोनों की इनकम सेम है, एवरेज इनकम दोनों की 2,000 आ रही है बेटे। तो एक मिसलीडिंग कंक्लूजन है, मिसलीडिंग यानी कि फेक कंक्लूजन है बेटे, और इससे बेटे एक समटाइम्स जो पर्सन है वो मिसलीड हो जाता है। तो ये कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन समटाइम्स ऑफर अ मिसलीडिंग कंक्लूजन। तो अरिथमेटिक मीन कभी कभी हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन प्रोवाइड कराकर देता है बेटे। और एग्जाम्पल दे रखा है भाई, ए की इनकम, बी की इनकम दो 2,000 आई है एवरेज। तो इस टेबल के अंदर एवरेज इनकम ए और बी की दोनों ही बेटे 2,000 है, विच सजेस्टिंग दैट ए एंड बी आर इक्वली रिच, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही इक्वली रिच है। बट लेकिन अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द सीरीज शुड रिवील दैट, लेकिन जब हम इसका क्लोज एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे गहराई में जब इन्हें पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ए की इनकम तो इंक्रीज हो रही है ओवर द ईयर, जबकि बी की इनकम डिक्रीज हो रही है। जस्ट इसलिए अरिथमेटिक मीन ने हमको बेटे एक मिसलीडिंग कंक्लूजन प्रोवाइड कराकर दिया है, ठीक है। तो बेटे अरिथमेटिक मीन के मैट्स और डीमैट्स भी हो गए। अरिथमेटिक मीन जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो चुका है बेटे, ठीक है। अब हम अरिथमेटिक मीन के पीछे एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी कि ठीक है, इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं बेटे। देखते हैं जितना समय हमारे पास बचेगा उतने में हम दो या तीन कितने इलुस्ट्रेशन कर पाते हैं उतने कर लेंगे, उसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा बेटे। आज ये चैप्टर खत्म है, तो आज इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। पूरे लेसन की पीडीएफ मैं आज आपको सेंड कर दूंगा बेटे, ठीक है। द लेसन हैज बीन फिनिश्ड, अब लेसन खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं जो दो तीन क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे बेटे, जितने भी समय तक उतने हम कर लेंगे, ठीक है। 9 बजे हैं अभी, है हमारे पास काफी समय, काफी समय हमारे पास है बेटे, ठीक है। तो ठीक है, मैं इलुस्ट्रेशन नंबर 2 उठाता हूँ बेटे, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में उठा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं बताता हूँ क्या कह रखा है आपसे, आपसे कह रखा है देयर आर द मार्क्स अटेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। तो 25 स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए ये हमें बता रखा है। फाइंड आउट द मीन मार्क्स बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो इन्होंने कहा बेटे
डेट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मीन मार्क्स निकालिए, यानी कि दोनों ही मेथड से हमें मीन मार्क्स निकालने पड़ेंगे। चलिए करते हैं बेटे। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखिए सिंपल सी बात है, एक मेथड मैं अप्लाई करूंगा, दूसरा आपको खुद करना पड़ेगा घर पे। तो क्योंकि बेटे ठीक है, मैं अब यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट मेथड खुद करना है घर से। लेते दो क्वेश्चन हो चुके हैं फिलहाल आपके, अज्यूम मीन मेथड मैं चुनूंगा बेटे यहाँ पर, और आपको डायरेक्ट मेथड खुद करना है घर से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को। मार्क्स हमें दे रखे हैं, मार्क्स में हमें क्या रखा है, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 बेटे। ठीक है, तो 10-10 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में बेटे मार्क्स यानी एक्स सीरीज होती है। ठीक है, और आगे भी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ आएगी, तो क्योंकि एक्स सीरीज वेरिएबल सीरीज में 10 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली तीनों मेथड यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, तीनों में से कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो। बट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में अप्लाई करना है, तो शॉर्टकट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप अप्लाई करना घर पर। एफ देखिए बेटे, एफ है 5, 2, 3, 8, 4 and 3 बेटे। ठीक है, ये हमें दे रखा है। सिग्मा ऑफ एफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमें चाहिएगा ही चाहिएगा, चाहे कोई सा मेथड अपना लीजिएगा। तो एफ का टोटल मैं कर रहा हूँ 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18, 4, 5, 22, 22, 23, 25। अच्छा, मैंने कहा है कि आई एम डूइंग शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए बेटे, और शॉर्टकट मेथड करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं पहले शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊंगा बेटे। कोई भी काम करने से पहले उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये रहा मीन, एक्स बार आपको पता है मीन रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टकट मेथड बेटे, तो ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, देखिए ये होता है फॉर्मूला, आई होप आपको पता है, a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी। ठीक है, ये रहा a, सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ डी, ये काम आपको करना है। तो आपने देखा सबसे पहले मुझे a लेना पड़ेगा, a यानी अज्यूम मीन, x में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू है, कोई सी वैल्यू को आप a मान सकते हो, एनीथिंग, आप 10 को भी मान सकते हो बेटे, 20 को भी, 30 को भी, 40 को भी, 50 को भी, 60, किसी को भी आप a मान सकते हो। ठीक है, तो मुझे कोई एक बच्चा बोल के बताए मैं किसे ए मानू, यशिका दिख रही है मुझे यहाँ पर, यशिका बताएगी मुझे किसे ए लेना है, बताओ बेटे किसे ए लू मैं, यशिका बताओ बेटे किसको ए मानू, 40। ठीक है बेटे, 40 को मैं ए ले लेता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, 40 को मैंने ए मान लिया है। ठीक है, तो ए मेरे पास आ चुका है 40। अब आपको पता है मुझे डी निकालना है बेटे, डिविएशन, D का मतलब होता है डिविएशन, हमें डिविएशन फाइंड आउट करने हैं अब। ठीक है, तो ये लीजिए D का फॉर्मूला, आई होप आप सबको पता है बेटे, मैं एक बार यहाँ भी लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस a, D का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a, सो ये लीजिए x माइनस a। ठीक है, x माइनस a, सारी x की रकम मैं लिखता चला जाऊंगा पहले, 10, 20, 30, 40, 50 and 60, मैंने पहले सारी की सारी x की वैल्यू लिख दी। अब मैं इसमें से a माइनस करता चल जाऊंगा जो कि है 40, तो 10 में से 40 गए बेटे, तो ये बचेंगे माइनस 30, 20 में से 40 गए तो ये बचेंगे माइनस 20, 30 में से 40 गए तो ये बचेगा माइनस 10, 40 में से 40 गए ये बचेगा आपका 0, 50 में से 40 गए ये बचेगा प्लस का 10 बेटे, और 60 में से 40 गए तो ये बचेगा प्लस का 20। ये देखिए d आपका आ चुका है, बट हमें फॉर्मूले में चाहिए एफ डी, यानी अब इस d को मुझे f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रहा f, ये रहा f और ये रहा d, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाल लेते हैं, और यहां मैं लिखूंगा सिग्मा ऑफ एफ डी। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ डी मैं यहां पर आपको लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए एफ डी, ये रहा 5, ये रहा माइनस 30, माइनस 30 को 5 से करेंगे तो माइनस के 150 आएंगे बेटे, मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, नो वेरी वेल। ठीक है, तो 20 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 40, माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस के 30 बेटे, जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है वो सबको जीरो बना देती है, तो ये जीरो आ गया बेटे,
चार को हम 10 से करेंगे तो ये प्लस के 40 आ जाएंगे, और तीन को हम 20 से करेंगे तो ये आ जाएंगे प्लस के 60। ठीक है, तो वैल्यू देखिए क्या आती है। माइनस के कितने, देखिए माइनस के 150 और 40 होते हैं 190, 190 और 30 होते हैं 220। तो माइनस के हमें यहाँ पर दे रखे हैं 220। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का आया आपका 220। देखिए 150 और 40, 190, 190 और 30, 220। और प्लस का हमें दे रखा है ओनली 100। तो आपने देखा कि माइनस की बड़ी रकम है बेटे, तो जो अल्टीमेट वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस की निकल कर आएगी। ठीक है, माइनस की, तो सिंपल सी बात है, 220 में से 100 गए तो 120 बचते बेटे, तो 120 आ जाएंगे माइनस के। तो सिग्मा ऑफ एफडी कितना आएगा, -120। ठीक है, -120 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यूज आ चुकी है सारी। अब आपको करना क्या है, केवल फॉर्मूले में पुट करना है और मीन निकालनी है। ठीक है, मीन निकालनी है। तो ये देखिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस, ए कितना माना था हमने यहाँ पर, 40 माना था बेटे, आपको पता है 40 प्लस सिग्मा ऑफ एफडी आपके पास -120 आया है बेटे अभी अभी, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ -120। ठीक है, और अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ है जो कि 25 है, ये रहा सिग्मा ऑफ एफ जो कि 25 है, ये मैंने लिख दिया 25 है। ठीक है, देखिए 40 को 40 लिखिए, इसे छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल जो भी आपको काम करना है केवल यहाँ कीजिए बेटे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसके अपॉन में 1 करके एलसीएम लेने जाओगे तो कई बच्चे होते हैं जो एलसीएम में मिस्टेक कर देते बेटे, तो आप ऐसा ना करें, 40 को अकेला छोड़ दें, इस पर जो काम आपको करना है करें। देखिए 25 और 120 से पहले 5 से मैं कट कर देता हूँ, 5 5 24 10 5 4 20। और जब मैं 35 में से 4.8 माइनस करूंगा तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, 40 में से 4 गए 36 आएगा, 36 में से 0.8 गया तो 35.2 will be your answer। ठीक है, ब्रैकेट में आप approximately लिख सकते हो बेटे, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया बेटे। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने किस मेथड से किया है, शॉर्टकट मेथड से किया बेटे। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए केवल इन दो वैल्यू को, और आप डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखाइएगा। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ मुझे कौन सा कराना है बेटे। चलिए क्वेश्चन उठाते बेटे, ठीक है, करेक्टेड मीन वाला। कल मैंने करेक्टेड मीन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, करेक्टेड मीन का एक क्वेश्चन उठा लेते बेटे। ये 8 बच्चे कैसे रह गए, ये चले कहां गए 6-7 बच्चे? कौन कौन जुड़ा हुआ है हमारे साथ, यशिका है, वंशिका है, तन्नु है, मनीषा है, काजल है, हिमांशु है, साहिल, पलक, तनिष। बेटे क्लास छोड़कर आप जाए ना करें प्लीज, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक करेक्टेड मीन का क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटे। तो करेक्टेड मीन का पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, करेक्टेड मीन का मैं फॉर्मूला लिख दूंगा और फिर उसके बाद बेटे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए आपको ध्यान हो तो कल मैंने करेक्टेड मीन का फॉर्मूला लिखाया था, ब्रैकेट में लिख देता हूँ करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा बेटे। देखिए सिग्मा ऑफ एक्स मुझे चाहिए, कौन सा वाला, रॉन्ग वाला या इनकरेक्ट सिग्मा ऑफ एक्स मुझे चाहिएगा। इसके अंदर जो मुझे रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स जाएगा इसमें मैं बेटे करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, करेक्ट वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा और इनकरेक्ट वैल्यूज को मैं माइनस कर दूंगा बेटे। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यूज को मैं माइनस कर दूंगा या रॉन्ग वैल्यूज को मैं माइनस कर दूंगा, इनकरेक्ट वैल्यूज, और डिवाइड में कर दूंगा बेटे एन से, जितने भी वो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होंगी उनसे मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेक्टेड मीन निकालते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या दे रखा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। तो ऑब्जर्वेशन है बेटे 5 और मीन है 7। ठीक है, यानी कि एन ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं 5 और जो इनकी मीन दे रखी है बेटे वो है 7, और डेफिनेटली ये रॉन्ग मीन होगी, इनकरेक्ट मीन होगी। ठीक है, और इसे ही हमें सुधारना है बेटे। आगे कह रहा है, लेटर ऑन कुछ समय बाद इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 एंड 9।
तो पांच और नौ की बजाय हमने चार और आठ ले लिया, यानी कि इनकरेक्ट वैल्यूज है फोर एंड एट, क्योंकि हमने बेटे फोर एंड एट ले लिए इंस्टेड ऑफ फाइव एंड नाइन, पांच और नौ की बजाय चार और आठ ले लिए, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू है आपकी फाइव एंड नाइन, ठीक है। तो अब आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कर देंगे बेटे, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले मुझे रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन बेटे, डेफिनेटली यही होता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। तो मीन मुझे बता रखा है भाई, जो मीन है वो है सेवन, रॉन्ग मीन मेरी सेवन है भाई, तो मीन की जगह मैंने लिख दिया सेवन, सिग्मा ऑफ एक्स मुझे चाहिएगा ही, ठीक है। और एन मुझे दे रखा है फाइव, एन मुझे कितना दे रखा है फाइव, ठीक है। तो फाइव को जब मैं सेवन से मल्टीप्लाई, देखिए बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, सात को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा, तो सिग्मा ऑफ एक्स मेरे पास आ गया 35, ठीक है, जो कि रॉन्ग वाला है, जो कि कौन सा वाला है, रॉन्ग वाला, ठीक है, रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स आ चुका है, आ चुका है सब चीज। अब मेरे हिसाब से मेरे पास सब कुछ गिवन है बेटे, मुझे क्या फॉर्मूले में पुट करना है, तो मेरे पास सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये अलग से सेपरेटली फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मीन करेक्टेड वाली, ठीक है भाई, ये मैंने मीन लिख दी, ठीक है। सिग्मा ऑफ एक्स रॉन्ग जो कि कितना है 35 आया बेटे, ये मैंने 35 लिख दिया। प्लस करना है मुझे करेक्ट वैल्यू को, और करेक्ट वैल्यू से मेरी फाइव और नाइन बेटे, तो फाइव को प्लस कर दूंगा और नाइन को प्लस कर दूंगा। इसके बाद मुझे इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी, यानी चार और आठ मुझे माइनस करना है बेटे, ठीक है। तो माइनस चार और माइनस आठ मैं यहाँ कर दूंगा, माइनस फोर और माइनस एट, और डिवाइड बाय मैं कर दूंगा एन, यानी कि फाइव। देखिए 3505 कितने होते हैं, 40, 40 और 9 होते हैं 49, 49, 49 में से चार गए कितने बचते हैं बेटे, 49 में से चार गए 45, और 45 में से एट गए तो कितने बचते हैं 37, तो ये आया 37, 37 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना बचा 5 से 35 और 2 जो 5, तो 7.4 बेटे। तो करेक्टेड मीन थी आपकी 7.4, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर का एकदम सही आया है, ठीक है। तो 7.4 आपकी करेक्टेड मीन आई है बेटे, ठीक है। रॉन्ग था 35, ये यहाँ निकाल के मैंने दिखाया था 35 रॉन्ग, करेक्ट वैल्यू ऐड की, पांच और नौ आपकी करेक्ट वैल्यू है उन्हें ऐड कर दिया, फोर और एट आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है इन्हें माइनस कर दिया, माइनस फोर माइनस एट बेटे। एडजस्टमेंट क्या देखिए, 35 5 40, 40 और 9 49, 49 में से 4 गए बेटे 45, 45 में से 8 गए 37, 37 को 5 से डिवाइड किया, 7.4 आपका आंसर मुझे, ठीक है। तो बेटे ये लेसन अब आपका फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। कल से मैं देखता हूँ, मैं आज डिसाइड करूंगा बेटे कि मैं रिविजन लू दोबारा से या फिर मैं अगला लेसन उठाऊं, ठीक है, वो मैं आज डिसाइड करूंगा, और जैसा भी होगा वो मैं कल आपको बता दूंगा बेटे। एक चीज और ध्यान रखिए, 10:15 पे आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास होगी बेटे, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए अभी, ठीक है, ताकि वो क्लास आप ले सको, पहले लेसन का मैं रिवीजन कराऊंगा बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, द क्लास इज ओवर, थैंक यू बेटे।